viewers, assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today's video is about Mali mask sheets. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने पर्सनली ये मास्क चीज़ जो है वो फेसिक से परचेज़ की हैं और इट्स वर्थ अराउंड 250 रुपीज़ ईच. ये 250 रुपीज़ की एक है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है. जब ये न्यू आई थी तो ये 150 की थी, लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की वजह से और डॉलर भी महंगा हो गया शायद इसलिए भी इनकी प्राइस जो है उन्होंने 250 कर दी है. वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए डिफरेंट मास्क शीट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में. लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 मास्क शीट्स हैं जो मेरी स्किन के हिसाब से हैं. एक स्टेम सेल अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मास्क शीट और रेड जिंसिंग अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मास्क शीट और को एंजाइम Q10 मास्क शीट. तो ये तीनों ही मास्क शीट आप देख सकते हैं, ये माली का ओरिजिनल प्रोडक्ट है. यहाँ पे फोकस करें, ये देखें आप, ये माली का ओरिजिनल प्रोडक्ट है. और आप अगर देखें इसके बैक पे तो यहाँ पे जो है वो सब कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, फेक नहीं है और ये बाहर से ही जो है वो इम्पोर्ट होती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़े से ज़्यादा है. तो ये मास्क शीट मैं 2 वीक से जो है वो यूज़ कर रही हूँ. वैसे तो ये 15 डेज़ में एक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर 15 डेज़ आप इसको दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं. मैंने इसको 2 वीक्स में 2 टाइम जो है वो ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था. अगर आप लोग इसके रिव्यूज़ चाहते हैं तो मुझे जो है वो पर्सनली कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह की है अंदर से और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं. वैसे ये अल्ट्रा हाइड्रेटिंग एसेंस मास्क है और दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड्स इनफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन टू स्किन एक्सपोज बाय स्टिम्यूलेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड इट्स एक्टिव कंपोनेंट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कोट एंड हेल्प्स योर स्किन टू मॉइस्चर नॉट एवोपोरेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन. द मॉइस्चराइजर एंड सॉफ्टनर मेक योर स्किन हेल्दी एनर्जेटिक एंड क्लीन विद इनफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन. जैसे कि हम जो है सनबर्न हो जाता है, सनटैन हो जाता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है. अभी क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगेगी. तो अपने स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के ये एक बेस्ट चॉइस है. मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी इसके बारे में कि आप ये मास्क शीट्स यूज़ करें, क्योंकि मैंने भी यूज़ की है. इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है, आपके वाटर की जो क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करती है और कॉलेजन की प्रोडक्शन करती है आपके स्किन में. अच्छे से इसका सीरम जो है वो पेनिट्रेट होता है और इसमें इतना ज़्यादा सीरम होता है कि आप एक दफ़ा इस मास्क शीट को ओपन करके अप्लाई कर लें तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो सीरम है वो आपने जब मास्क को रिमूव करना है फिर अप्लाई करना है उस सीरम को. और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो है वो एक मास्क शीट आपको 15 to 20 डेज़ तक आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नरिश करके रखती है. आप इसके इसको आफ्टर फेशियल भी यूज़ करें. और इसके ये माली की मास्क शीट्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, ये किस पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है मैं आपको बताऊँगी. स्टेम सेल मास्क जो है वो एंटी एजिंग मास्क है और ये जो है वो मसाज पैक कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट स्टेम सेल्स एंड सेवरल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स. इट नरिशेज योर स्किन एंड इम्प्रूव योर फेस, ब्राइटन एंड हेल्दी कॉम्प्लेक्शन, डीपली मॉइस्चराइजिंग योर फेस एंड प्रोवाइडिंग यू रफ एंड टायर्ड स्किन विद पीस एंड सॉफ्टनेस. तो ये जो है क्लेम करते हैं कि ये स्टेम सेल मास्क जो है वो इसमें प्लांट के स्टेम सेल मौजूद हैं और इसमें कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स भी हैं कुछ. आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, हेल्दी करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा. ये बहुत ज़्यादा डीपली मॉइस्चराइजिंग मास्क है क्योंकि ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और आपके स्किन पे जो रफनेस और टाइटनेस होती है उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और सफल कर देता है. मास्क शीट की बात कर लेते हैं. ये कोएंजाइम Q10 मास्क है और ये किस लिए यूज़ होता है. ये क्लेम करते हैं कि Q10 कीप्स योर स्किन मॉइस्ट विद हेल्पिंग स्किन टर्न ओवर, Q10 कीप्स योर स्किन वाइटल विद सप्लाई वाटर एंड नरिशमेंट. अ कोएंजाइम इज अ सब्सटेंस दैट वर्क्स विद एन एंजाइम टू इनिशिएट एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एड द फंक्शन ऑफ द एंजाइम.
तो इन्होंने बताया है कि कोएंजाइम Q10 क्यों जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे, या आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करता है, आपकी स्किन को टर्न ओवर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम Q10 मौजूद है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाटर और नरिशमेंट सप्लाई करेगा, क्योंकि ये एक कोएंजाइम है। तो कोएंजाइम का काम ये होता है कि ये एंजाइम को, एंजाइम के जो वर्क होता है उसको इनिशिएट करता है, और इसमें एक एंजाइम मौजूद है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएट करता है, उसके फंक्शन को बहुत ज़्यादा पावर अप करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा नरिश्ड हो जाती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। ये कोएंजाइम Q10 नेचुरली जो है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा, आपके जो स्किन के एंजाइम्स हैं उनको जो है वो इनिशिएट करेगा कि वो तेज़ी से आपकी स्किन पर काम करें और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें और आपकी स्किन को हाइड्रेट करें। थर्ड मास्क है रेड जिंसिंग मास्क। ये क्लेम करता है कि ये मास्क पैक जो है इसके अंदर रेड जिंसिंग के एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं, और ये कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये आपकी स्किन को नरिश करता है, आपके फेस को जो है वो सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सफल बनाता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें वाटर, ग्लिसरीन, इथेनॉल, सोडियम हायलूरोनेट मौजूद है, हाइड्रोजनेटेड कास्टर ऑयल मौजूद है, फिनॉक्सी इथेनॉल है, कार्बोमर है, मिथाइल प्रोपाबेन है, हाइड्रोक्सी सेल्यूलोज है, डाइसोडियम इथाइलीन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड मौजूद है, एल्टोइन मौजूद है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल मौजूद है, ट्राई इथेनॉल अमाइन मौजूद है, और रेड जिंसिंग एक्सट्रैक्ट और कुछ फ्रेगरेंसेस इसमें यूज की गई हैं। तो ये बात तो है कि जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी कॉस्मेटिक में हायलूरोनिक एसिड मौजूद होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो एंटी एजिंग प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को वाइटन एंड ब्राइटन अप करता है। तो हायलूरोनिक एसिड वाले जितने भी जो फेशियल्स हैं और मास्क हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपकी स्किन के लिए। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर रीड किया करें कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और रेड जिंसिंग एक्सट्रैक्ट है और एंजाइम्स हैं। तो ये इनकी जो है वो वेराइटी है, और आपने इसको 20-30 मिनट्स जो है वो अपनी स्किन पे लगा कर रखना है, उसके बाद इसको रिमूव करना है, और इसमें जो सीरम मौजूद है उस सीरम को अपने फेस पे आफ्टर मास्क अप्लाई करना है। तो ये था इसका रिव्यू। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको यूज़ करके बताऊँ कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।